व्हाट इज प्लम कंक्रीट, प्लम कंक्रीट क्या होता है? दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं पहला काम होता है एक्सकैवेशन करना। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम लोग एक्सकैवेट कर लेते हैं। ओके, अब दोस्तों एक्सकैवेशन करने के बाद हम लोग डाल देते हैं PCC, ओके प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं फाउंडेशन, RCC फाउंडेशन, और यहाँ से आपका कॉलम सीधा ऊपर चला जाता है। ओके, तो ये है दोस्तों कॉलम। अब दोस्तों देखिए PCC हम लोग क्यों बनाते हैं, तो इसका मेनली टू रीज़न है। पहला तो है देखिए एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करना, ओके, और दूसरा चीज़ है देखिए अगर दोस्तों ग्राउंड में कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है वो डायरेक्टली आपका RCC फाउंडेशन के कॉन्टैक्ट पे ना आ पाए, तो इसलिए ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर की तौर पे भी काम करता है। तो पहला तो है देखिए एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करता है, और दूसरा है प्रोटेक्टिव लेयर की तौर पे ये काम करता है। तो ये दोनों काम होता है PCC का। अब दोस्तों कहीं पर अगर मान लेते हैं स्टीप स्लोप है, ओके, और मान लेते हैं जो ग्राउंड है बहुत अनड्यूलेटेड है, तो उस केस में PCC का थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि अन इकोनॉमिकल हो जाता है। तो दोस्तों इसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लम कंक्रीट। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे प्लम कंक्रीट हम लोग क्यों यूज करते हैं। द वर्ड प्लम मीन्स लार्ज स्टोन व्हिच आर टर्म्ड एज बोल्डर्स और कोर्स एग्रीगेट इफ टेक्निकली स्पीकिंग। ओके, तो दोस्तों जो प्लम होता है इसका मतलब होता है लार्ज स्टोन्स, जैसे कि आपका बोल्डर और कोर्स एग्रीगेट्स। ओके, द यूज ऑफ प्लम कॉन्क्रीट इज प्रेफर्ड इफ द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ PCC इज एक्सेसिव और लार्ज। दिस इज मेनली डन बिलो द फाउंडेशन व्हेयर ड्यू टू स्टीप स्लोप ऑफ द स्ट्राटा द क्वांटिटी ऑफ लेवलिंग कोर्स शुड बी एक्सेसिव। द प्लम कॉन्क्रीट इज एक्चुअली एन इकोनॉमिकल वर्सन ऑफ मास कॉन्क्रीट। तो दोस्तों हम लोग मास कॉन्क्रीट पढ़े थे, तो ये इसका एक इकोनॉमिकल वर्सन होता है। ओके, तो दोस्तों इधर आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका प्लम कंक्रीट, तो कंक्रीट के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं लार्ज एग्रीगेट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो सैंड आता है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसके साथ आप लोगों ने देखा होगा लार्ज स्टोन्स भी आता है राउंडेड शेप की, तो उसको भी हम लोग प्लम के तरह यूज कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों देखिए IS 456-2000 इसके बारे में क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लम्स अबव 160 mm एंड अप टू एनी रिजनेबल साइज मे बी यूज इन प्लेन कॉन्क्रीट वर्क अप टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20% बाई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट व्हेन स्पेसिफिकली परमिटेड बाई इंजीनियर इन चार्ज। ओके फ्रेंड्स, प्लम की जो साइज है ये आपका 160 mm और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तब तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अगर प्लम की वॉल्यूम कंक्रीट की टोटल वॉल्यूम की 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तब तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। द प्लम शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवेनली एंड शैल नॉट बी क्लोजर देन 150 mm फ्रॉम द सरफेस। ओके, अब दोस्तों जो प्लम्स है इसको इवेनली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ पास पास आ जाए, कहीं पर आपका दूर दूर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इवेनली इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और दोस्तों इनका सरफेस से डिस्टेंस 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। ओके, अब फ्रेंड्स कहाँ पर हम लोग प्लम कंक्रीट यूज करते हैं, पहला तो देखिए वाटर कैनल बेड्स पे हम लोग इसको यूज करते हैं, वाटर कैनल बेड्स। ओके, ये है कैनल की बेड, तो कैनल की बेड में हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, दूसरा है दोस्तों मास कंक्रीट वर्क की तौर पे हम लोग ग्रेविटी डैम्स में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जो डैम्स होता है तो इनमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा है देखिए जो ब्रिज की पायर्स होता है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके से आपका होता है, तो ब्रिज की पायर में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, और दोस्तों फाउंडेशन में हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर हम लोग यूज करते हैं, यह है आपका प्रोटेक्टिव लेयर, और इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं फाउंडेशन। ओके, तो दोस्तों ये है प्लम कंक्रीट।